आप जानते हैं ना सब नाटक, फिर भी ऐसे सवाल। हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि एक नाटक है, वो कागजात छूटे थे। आपको पता है जब उस कागज पे हम साइन कर रहे थे ना, तो सहम गए थे हम। एक अजीब से डर ने हमें घेर लिया था, बहुत अजीब लग रहा था। आप कैसी बातें कर रही हैं परी जी, हम सपने में भी आपको छोड़ने का नहीं सोच सकते। आप जानती हैं ना हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बताएं सतू जी, सब भाभियां और रूप हमारा मंगल सूत्र छीनने की बात कर रही थी, जब वो हमारा सिंदूर मिटाने का सोच रही थी। हम बहुत डर गए थे सत्तू जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या करें हम। लेकिन भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी माँ सब वक्त पे आ गई, सब कुछ संभाल लिया उन्होंने। ना आज का ये नाटक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था सत्तू जी, बहुत मुश्किल था। परी जी, हम आपसे वादा करते हैं, आपको दिया हुआ हर वचन हम इस जन्म ही नहीं अगले सातों जन्म निभाएंगे। जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही। जल रही अगर है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन आज हमने अपने प्लान के मुताबिक पहला पड़ाव पार कर लिया, हम बांधवगढ़ तक पहुंचने वाली मंजिल के और भी करीब आ गए। लेकिन दूसरा चरण बहुत ही कठिन नजर आ रहा है हमें परी जी, रूप को हराना कोई आसान बात नहीं है। आप हौसला रखिए सत्तू जी, हिम्मत और लगन के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, सच में। आपका साथ है ना परी जी, अब हमें कोई फिक्र नहीं। इतनी मेहनत करेंगे कि रूप को हरा ही देंगे, हम जीतेंगे और बांधवगढ़ जरूर जाएंगे। तो फिर तय रहा सत्तू जी, रात को डांस प्रैक्टिस के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गई है तुम? मेरे मना करने के बावजूद तुम नाचने गई। देखो तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो। बहुत से देखे तेरे जैसे गरजने वाले, ज्यादा मत्था गरम मत कर सेठ। मुद्दे की बात कर सेठ, जायदाद में 20% हिस्सा चाहिए। अगर देने को तैयार हो जा तो मुकाबले के बीच में हमें थम्स अप का इशारा कर देना, हम मुकाबला हार जाएंगे, वरना तुम्हारा प्यारा सत्तू हार जाएगा और हम घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर देखते रहना अपना जायदाद हथियाने का सपना जागती आंखों से, समझ गया सेठ? सत्तू जी, ये रूप को क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? अरे जी क्या बताएं, रास्ते में इनको एक बदतमीज ऑटो वाला मिल गया था, अगर ऐन वक्त पे हम ना पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन रूप जी, आप इतनी रात को ऑटो में गई कहां थी? वो मैं इतनी रात को, मैं ऑटो में जाऊं या ट्रक में, तुमसे मतलब?
सातू जी प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए, फिलहाल मेरे पास इतने हैं, 5 लाख। आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरी इतनी हेल्प करी, ये एक तरीका है आपको थैंक यू बोलने का। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रूप जी, जिस देश से आप आई, शायद उस देश में इस तरीके से मान सम्मान की कीमत रुपयों में आकी जाती होगी, लेकिन NRI रूप जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारे देश में आज भी थैंक यू दिल से ही बोला जाता है, पैसे से नहीं। अपने पैसे आप अपने पास रखिए, लगता है काफी कुछ सिखाना पड़ेगा आपको शादी के बाद। अगर होगी तो उससे पहले आपको डांस कॉम्पिटिशन जीतना होगा, और रूप से डांस कॉम्पिटिशन जीतना मुमकिन ही नहीं, ना मुमकिन। जन्मदिन मुबारक हो मां साहब। जन्मदिन मुबारक हो, खुश रहे, जीती रहो। सत्तू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ साहब, बहुत दिनों से आपको दुख दे रहे थे ना माँ साहब, तो सोचा थोड़ी सी खुशी हो जाए। माँ साहब, घड़ी में बस 12 बजने ही वाले हैं, केक काटने के लिए तैयार है ना आप? चलिए चल। Happy birthday to you. Happy birthday dear Masa. Happy birthday dear Masa. Happy birthday to you. Bhavna ji, namaskar. Namaskar. जिस आदमी की आपने तस्वीर भेजी थी उसकी डिटेल्स निकल आए हैं। वो मिथिला का रहने वाला कोई पुरोहित है, उनका एड्रेस और उनके फोन नंबर का भी पता चल गया है। धन्यवाद। कंपटीशन तो बस एक बहाना है, रिजल्ट तो सभी जानते हैं। सत्तू जी हारेंगे और मैं जीतूंगी, ऑफ कोर्स। आइए मां साहब, हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को नहीं लगता कि मां साहब के जन्मदिन पे आपको उन्हें बधाइयां देनी चाहिए? हाँ, जन्मदिन मुबारक हो मां साहब। हैप्पी बर्थडे मां साहब। चलिए अब जल्दी से सत्तू जी को बुलाइए, कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। सत्तू जी हमारे पति हैं, हमारे पति थे और हमेशा हमारे पति ही रहेंगे। ये मत भूलो कि तुमने डिवोर्स पेपर पे साइन किए हैं। लेकिन अदालत भी पति पत्नी को 6 महीने की मोहलत देती है समझौते के लिए, और ये लड़की इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेगी।